उत्तर प्रदेश में आगामी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना के डीएवी इंटर कॉलेज के मैदान में आशीर्वाद पर जनसभा को संबोधित करने पहुंचेंगे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी। मैदान में होने वाली जनसभा में लगभग पंडाल, मंच और हेलीपैड की व्यवस्था पूर्ण हो चुकी है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश में लगभग 17 जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें से अब तक 2 जनसभा संबोधित कर चुके हैं और तीसरी आशीर्वाद पर जनसभा बुढ़ाना के डीएवी इंटर कॉलेज के मैदान में पहुंचकर संबोधित करेंगे। संवाददाता पवन अग्रवाल की खास रिपोर्ट। कल एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचेंगे राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष, क्या क्या तैयारियां आपकी हैं? देखिए, यहाँ पर मंच की व्यवस्था हो चुकी है और हेलीपैड भी यहाँ पर सब तैयार हो चुका है और हमारे जो क्षेत्र के स्थानीय नेता हैं वो सब क्षेत्र में जनता के बीच में जनसंपर्क में लगे हुए हैं। और हम आपके बताना चाहते हैं कि ये मुजफ्फरनगर के जो बुढ़ाना से चौहान साहब की आशीर्वाद पथ कार्यक्रम है, ये एक नींव की ईंट साबित होगा, नींव के पत्थर की तरह साबित होगा। पूरे उत्तर प्रदेश में यहाँ से चुनावी 2022 का बिगुल बजने जा रहा है और हम आशा करते हैं कि जैसा यहाँ क्षेत्र में मैंने माहौल देखा है, मैं यहाँ लगभग 4-5 दिन से हूँ क्षेत्र में, जनता मन बना चुकी है कि इस फासिस्टवादी सरकार को अब उखाड़ के ही जनता चैन लेगी। इससे पहले पूरे देश में जो इन्होंने माहौल बनाया है, जो बर्बादी की है, जनता उनसे बदले की भावना से राष्ट्रीय लोकदल की सरकार बनाएगी। अध्यक्ष जी, इतना बड़ा मैदान है, कितनी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचेंगे लगभग? देखिए जी, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भीड़ हमारी इतनी होगी यहाँ पर कि हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। ऐतिहासिक भीड़ होने जा रही है यहाँ पर। जनता में बड़ा जोश है, किसान लुटा पिटा बैठा है, उनके साथ जो जुल्म जाति उत्तर प्रदेश में हो रही है और जो सारा विकास चौपट कर दिया, समाज को बाँट दिया, किसान को तबाह कर दिया, बेरोजगार उम्मीद ही लगाना छोड़ दिया उसने रोज़गार के संबंध में, पढ़ भी रहा है तो उसे ये डर है कि आगे कैरियर क्या होगा। इन हालात में नौजवान बहुत जोश में है, वो जयंत चौधरी को चाहता है, राष्ट्रीय लोकदल को चाहता है और किसानों की सरकार चाहता है। कल एक आशीर्वाद पत्र रैली होने वाले हैं, किसी कैसे क्या तैयारी हो चुकी है? देखिए, यहाँ पर मंच बन गया है, यहाँ पूरा आप देख रहे हैं पीछे पूरा टेंट वेंट लग गया है, इधर हेलीपैड बन गया है पूरा, और जिसमें हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी पार्टी के कल पहुंच रहे हैं। जिस तरीके से मेरे किसानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है सरकार द्वारा, इस सरकार के नुमाइंदों द्वारा, और उस सब चीज़ को देखते हुए क्षेत्र की जनता ने ठान लिया है कि वोट की चोट पे सन 2022 में उत्तर प्रदेश का अगर कोई मुख्यमंत्री बनने जा रहा है तो जयंत चौधरी जी बनने जा रहे हैं। यहाँ पे युवा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, क्षेत्र का किसान और यहाँ जो मंच पे ये मंच है, बड़ा मंच है, ये हम लोगों ने बड़ा मंच बनाया जिसमें जयंत चौधरी जो हमारे ख्वाब चौधरी रहेंगे, बराबर में स्थानीय नेता रहेंगे और उधर रागनी के लोग रहेंगे।